अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एंड हाउस फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो मैंने एक दफ़ा पहले अपना ना ग्रॉसरी हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने अपनी जितनी ग्रॉसरी शॉपिंग की थी वो मैंने बताई थी। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आपने इसमें वेजिटेबल्स क्यों नहीं ली। वेजिटेबल्स इसलिए नहीं ली कि हमारे घर के पास ही बिल्कुल सुपर मार्केट है, वहाँ से ही मैं इकट्ठी वेजिटेबल्स ले आती हूँ 10 to 15 days के लिए, तो वो फिर हम इन स्टॉक रखते हैं। तो आज मैं लेके आई थी तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो वेजिटेबल में सबसे पहले लिए हैं मैंने टोमेटोज, अ लॉट ऑफ टोमेटोज, बहुत सारे हैं, और ये अबाउट 3 kgs हैं। इसकी हाफ की मैं केचप बना लूँगी जो मैं बच्चों को घर में ख़ुद बना के देती हूँ, और हाफ़ की मैं प्यूरी बना के इसको फ्रीज़ कर लूँगी, और ये अबाउट 15 to 20 days हमारी यूज़ हो जाती है, और केचप अबाउट अ मंथ जाती है क्योंकि उसमें विनेगर वगैरह होता है, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो टोमेटोज़ तो करते हैं एक साइड पे और बाकी की वेजेस आगे लेके आते हैं। और इसमें मैंने लिया है धनिया। धनिया हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड के पास चल रहा था हर चीज़ में धनिया और पुदीना डलवाएं, तो ये भी मैंने फ्रेश धनिया लिया है। इसको मैं अच्छे से धो के काट के टिश्यू से पैक ड्राई करके इसको हाफ़ को मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और हाफ़ को मैं फ्रिज में रख लूँगी। और जो फ्रीज़र वाला है वो मेरा 5 to 6 days जाएगा, और जो नीचे है वो 2 to 3 days चला जाएगा। पता क्या, हम लोग एक्चुअली फैमिली मैं ना सिर्फ 2 family members हैं, अगर मैं ज़्यादा इसको नीचे रखती हूँ तो ये ख़राब हो जाए और बिल्कुल भी यूज़ में ना आए। तो मेरी ये कोशिश होती है कि बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये है मैंने कद्दू, ये 3 अदद कद्दू हैं। अच्छा, कद्दू से याद है मेरी जो है ना अम्मा, वो कद्दू को कहती हैं कद्दू शरीफ, उनको बहुत पसंद है। तो ये मैंने 3 अदद कद्दू लिए हैं, 2 का मैं पका के सालन बना लूँगी और 1 का मैं रायता बना लूँगी, कद्दू का रायता जो बॉईल करके बनाते हैं। इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो ये हो गया हमारा कद्दू, धनिया, और इसके बाद मैं लेके आई हूँ ग्रीन चिलीज। अच्छा, कुछ लोगों को देसी वाली ग्रीन चिलीज पसंद आती है, वो बहुत तेज़ होती हैं, लेकिन मुझे ये वाली प्यारी लगती हैं। लगती तो ये आर्टिफिशियल हैं और इनकी कड़वाहट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने ये वाली लेनी है। मैंने आपको पता है खाने में मैं रेड चिलीज़ बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो ये वाली मैंने 1/2 kg ले ली है, ये मेरे आराम से 1 महीने तक जाएंगे। इसके अलावा मैंने लिया है जिंजर, इसको भी मैं काट के वॉश करके इसका पेस्ट बना के इसको मैं क्यूब्स में फ्रीज़ कर लूँगी। आपने अक्सर देखा होगा जब मैं अपनी कुकिंग शेयर कर रही होती तो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रीज़ निकालती हूँ, ग्रीन चिलीज़ फ्रीज होती है मेरी, टोमेटो प्यूरी फ्रीज होती है, बस निकाली और झटपट से खाना तैयार। उसके अलावा मैंने ये लिया है गार्लिक, इसको भी मैं ऐसे ही पील करके इसको वॉश करके इसकी गार्लिक पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये हो गया है हमारा गार्लिक, ग्रीन चिलीज और जिंजर। उसके बाद आते हैं हम अपनी कैरेट्स की तरफ। अच्छा, मुझे ना पर्सनली रेड कैरेट्स की बजाय ये ऑरेंज कैरेट्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और देखिए कितनी फ्रेश हैं, ऐसे लगता है बस ये अभी अभी तोड़ी हैं और निकाल के ले आए हैं। अच्छा, तो मैं बता रही थी ये मैंने लिए हैं 3 अदद कैरेट्स, 1 का हम लोग बना लेंगे पास्ता, 1 ही हम लोग बना लेंगे जलफ्रेजी, और 1 कैरेट्स की बन जाएंगे हमारे एग फ्राइड राइस। आप सोच रहे होंगे 1-1 गाजर क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा मैंने ली है ये वाली कैबेज, बंद गोभी, 2 फूल इसलिए लिए हैं कि 1 फूल तो हम लोग चाइनीज़ पकौड़े बनाएंगे उसमें यूज़ हो जाएगा, और 1 पास्ता वगैरह में यूज़ हो जाएगा, सैलड में यूज़ हो जाएगा। अच्छा, मैं घर आके देख रही थी मैं कैप्सिकम लाना बिल्कुल भूल गई, मेरे बिल्कुल भी उधर सुपरमार्केट में जहन में नहीं आया कि मुझे शिमला मिर्च भी लेनी है। घर आके मैं देख रही थी और शिमला मिर्च मैं लाना भूल गई हूँ। अब अपने हस्बैंड कहते हैं अगर आप सुबह जाएंगे मार्केट वगैरह का आपका चक्कर लगेगा, वैसे तो सुबह छुट्टी है लॉकडाउन की वजह से चक्कर लगेगा, तो मुझे आप ज़रूर बल्कि लाजमी ला के दीजिएगा कैप्सिकम, क्योंकि उसके बगैर तो चाइनीज़ का टेस्ट ही नहीं आता। उसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पे अनियंस,
मेरी कोशिश होती है रेड वाले जो देसी अनियंस है वो लूँ। यहाँ पे थाई अनियंस भी मिलते हैं जो ऑरेंज और वाइट होते हैं और उनकी कड़वाहट भी कम होती है, लेकिन उनको टेस्ट में इतने अच्छे नहीं होते, वो आँखों में तो कम रहते हैं। ये वाले आँखों में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, इनकी कड़वाहट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप जब खाना बनाते हैं उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी आती है आपके लिए। तो ये वाले मैंने लिए हैं अबाउट 1.5 kg यानी 1500 grams। इसी में हमारे 15 to 20 days आराम से चलेंगे। और उसके अलावा मैंने लिए हैं कुछ फ्रेश लेमन, मेरे लेने नहीं थे, मेरे पास पड़े हुए थे ऑलरेडी ना लेमन जूस पड़ा हुआ है शंग्रीला वालों का, लेकिन मुझे इतने प्यारे लग रहे थे वहाँ पे कि मेरे से देख के रहा नहीं गया। तो ये भी मैंने अबाउट 300 grams ये मैंने लेमन ले लिए हैं। देखें ये ब्राउन सा ये लग रहा है, पुराना वाला उसने डाल दिया है, लेकिन ये मैंने बाकी सारे देखे आप कितने फ्रेश हैं। और लेमन बाय असाइड, इसके बाद हम आते हैं अपने पोटैटोज़ की तरफ। तो ये मैंने लिए हैं आलू, इसके या तो कटलेट्स बन जाएंगे या बच्चे मेरे फ्राइज शौक से खाते हैं उनको मैं फ्रेंच फ्राइज बना दूँगी। उसके अलावा मैं आ रही थी तो मुझे आते आते नज़र आया फालसा। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, जब से सीज़न स्टार्ट हुआ ना मेरे फालसा का टाइम ही नहीं मिला। पहले हम लोग पीच जूस पीते रहे, फिर इमली आलू का हादे का बना लेते, अब भी तो फालसा देख के तो मुझे लग रहा था मैं कितना उदास हो गई फालसा से। तो फिर ये मैंने अबाउट 800 grams मैंने फालसा ले लिया है। तो उसके अलावा मैं आ रही थी तो मुझे याद आया कि मेरी जो है ना बड़ी वाली बेटी वो कह रही थी मामा मैंगोज़ आए हुए हैं और तो मुझे मैंगो आइसक्रीम खानी है। तो मैं एक्चुअली ना मेरा बाजार से कोरोना की वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं बच्चों को कुछ भी मंगवा के दूँ, तो मैंने ये सोचा मैंने कहा बाहर से भी तो लेके आनी है आइसक्रीम, तो मैं क्यों ना इनको घर में बना लूँ। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने आते थे जल्दी से मुझे ये ऑल्पर्स की क्रीम मिली, तो ये मैंने ऑल्पर्स की क्रीम ले ली है। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, मैं जस्ट वैसे ही आपको बता रही हूँ, मैं वैसे लीक की यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये ऑल्पर्स की थी तो मैंने ऑल्पर्स की ले ली। उसके अलावा ये मैंने पोलक का कंडेंस मिल्क लिया है, ये भी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं आपको वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने एक कंडेंस मिल्क का पैक ले लिया है। उसके अलावा मेरा बेकिंग पाउडर ख़त्म हुआ था, मैं है ना रोसोमोर्स वालों का बेकिंग पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने पूरा मार्ट वहाँ पे फेर लिया तो वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने फिर उनका जो ऑनर था उससे पूछा कि रोसोमोर्स वालों का बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा चाहिए, तो उसने कहा कि वो शॉर्ट हुआ हुआ है, यहाँ से आपको हाई पावर वालों का मिलेगा। तो मुझे बस चाहिए तो ज़रूरत थी तो मैंने ये ले लिया एक छोटी डब्बी, नहीं तो मैं बड़े वाला 10 लेती हूँ। तो वहाँ से मैं आ रही थी तो मुझे आते आते ये नज़र आया स्लाइस्ड पाइनएप्पल पोलक का, ये अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये जस्ट मैं वैसे ही आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा ये रिंग्स वाला जो स्लाइसेस वाला होता है ना जिसमें कटे हुए स्लाइसेस होते हैं, वो आप देखना उसका ये जो दरमियान वाला पार्ट होता है ना वो बहुत सख्त होता है, तो वो मैं नहीं लेती, मैं ये रिंग वाला लेती हूँ। इसका हमारे घर में सैलड बनता है, पाइनएप्पल शेक बनता है, पाइनएप्पल जूस बनता है, फ्रूट चाट में डलता है, इवन मेरे हस्बैंड का बस चल रहा है तो हर चीज़ में पाइनएप्पल और कोकोनट उनकी फेवरेट चीज़ें हैं दोनों, वो यही ऐड करते रहे। तो जी ये थी मेरी आज की वेजिटेबल्स ग्रोसरी, वेजिटेबल मेरी थोड़ी सी आइसक्रीम के भी इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, मैं गई भी थी तो मैंने कहा मैं चलते चलते ले लूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और ईजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।